हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। साल 2019 अब तक बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा है। जनवरी में रिलीज हुई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया जो अब तक जारी है। आइए जानते हैं अब तक इस साल की बॉलीवुड की ऐसी फिल्में जिन्होंने कमाई के मामले में पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई विक्की कौशल और यामी गौतम की ये फिल्म साल की पहली सुपरहिट थी। फिल्म की कहानी भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 244 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। गली बॉय। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की इस फिल्म को जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स से भी बेहद ही शानदार रिएक्शंस मिले थे। यही वजह है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। टोटल धमाल। अजय देवगन की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल ने लोगों को खूब हंसाया। इस फिल्म में अजय के अलावा माधुरी और अनिल कपूर भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए की कमाई की थी। केसरी। अक्षय कुमार की ये फिल्म सारागढ़ी की लड़ाई पर बनी थी, जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानों की सेना से लड़ाई लड़ी थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 151 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था। फिल्म में अक्षय के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आई थी। दे दे प्यार दे। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और तब्बू की कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अकीब अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 104 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था। कबीर सिंह। शाहिद और क्यारा की फिल्म ने थिएटर्स पर धूम मचा रखी है। लोगों पर इस फिल्म का खुमार इस कदर छाया हुआ है कि इस फिल्म ने महज 14 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। संदीप वांगा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म साउथ की फिल्म अर्जुन रेड्डी की रिमेक है। भारत। सलमान और कटरीना कैफ की फिल्म भारत बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। ईद के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 210 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म में सलमान और कटरीना के अलावा दिशा पाटनी और सुनील ग्रोवर भी नजर आए थे। तो देखा आपने, ये थी वो फिल्में जिन्होंने साल 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।